तो चलो रिया बेटा, और क्या मतलब यहाँ सरकार को आप क्या क्या कहना चाहते हो? आपको वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं और आपके घर वालों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? अभी फिलहाल तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे इन लोगों ने, जैसे सरकार ने अफगानिस्तान में इवैकुएशन करा था, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए इवैकुएशन करा था, तो ऐसी ही इवैकुएशन करी जानी चाहिए। इतने 18,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट कुछ तो निकले और कुछ क्या, सभी को निकालना चाहिए। अभी जितना भी लेट करेंगे उतना बदतर होती जा रही है यहाँ पे हालात जितने भी हैं। और पेरेंट्स तो मिनट में पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया न्यूज दिखा रहे हैं, पेरेंट्स न्यूज भी देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, सबके घरों में टीवी चल रहा है। तो जिस भी हिसाब से सिचुएशन चल रही है, सारी लाइव अपडेट हो रही है, और उसी के करके सारा हमारा जो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स सब पैनिक हो रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या सिचुएशन है। तो अभी मेट्रो स्टेशन पे जाके बेटा अपना खाने पीने कैसे करोगे फिर आप? खाने पीने का ताऊ जी ऐसा है कि खाने पीने का हम लोगों ने जो जितना भी सूखा सामान रहता है, जैसे ब्रेड हो गई, दूध हो गया, नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, या जो भी है, 24 आवर्स का, एटलीस्ट 48 आवर्स का तो बैग में पैक करके रखा ही हुआ है हमने। चलो मतलब इतना तो है ना, पानी की कैन जाएंगे हम लोग। हाँ, अपना ज्यादा से ज्यादा बेटा खाने पीने की चीजें अपने साथ जरूर रखो, कपड़े चाहिए ना हो लेकिन खाने पीने की जरूर आपके चीजें जरूर आपके पास होनी चाहिए। चलो और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको वहाँ पे? और तो फिलहाल तो एटीएम में सुबह कैश निकालने के लिए गए थे, हमारे इंडियन कार्ड भी वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैश की शॉर्टेज भी बढ़ रही है कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने, जैसे मेरे पेरेंट्स ने सुबह कैश डलवाया है एकदम इमरजेंसी में, तो कैश निकालने का यहाँ पे तीन घंटे से ज्यादा तो लाइन में खड़े रहे। और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो पता चला कि सारे हमारे इंडियन कार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और बैंक्स में भी शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई है यहाँ पे। हेलो, मेरा नाम रोहिना शेख है, मैं गुजरात की भरूच सिटी से बिलोंग करती हूँ, और मैं रिसेंटली अभी यूक्रेन की कैपिटल कीव सिटी में हूँ। जैसे कि आप सभी अवेयर है कि सिचुएशन वर्स होती जा रही है, यहाँ पर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लोकेशन अलग अलग है, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, सिचुएशन नॉर्मल होगी, सिचुएशन वर्स होगी, कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज सारी फ्लाइट्स बैन हो चुकी है, ना ही हम अपनी कंट्री लौट सकते हैं, ना ही आगे कोई स्टेप ले सकते हैं। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडियन एम्बेसी डिसीजन ले एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज सिचुएशन वर्स होते टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पैनिक हो चुके हैं। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एम्बेसी डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट वी कैन गेट बैक टू आवर कंट्री।